किसी बुजुर्ग ने कहा है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बच्चा छिपा होता है और उस बच्चे को अपने अंदर ताउम्र जिंदा रखना चाहिए। लेकिन हादसों के शहर में हादसों से डरता है, मिट्टी का खिलौना है फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख के ये दुनिया बड़ा होने से डरता है। वाह वाह, पतन हो रहा है उसका। और ये किसी सयाने बुजुर्ग ने सही कहा कि हर आदमी के अंदर एक बच्चा होता है, जिसकी ताजा मिसाल है हमारे सिद्धू बाजी। इनके अंदर का बच्चा हमेशा जागता रहता है, इसीलिए बच्चों में बच्चे हो जाते हैं, बुजुर्गों में बुजुर्गों वाली बात करते हैं। और पाजी जितने आप नॉटी है ना, मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, आपके अंदर 3-4 जोड़वा बच्चे हैं। ट्रिपलेट। सिद्धू भाजी इतने शरारती थे बचपन में, इनको किसी टीचर ने पूछा, बेटे ये बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? कहते गुरु 4 मुहावरे। लेकिन भाजी हम लोग बच्चों की बातें करके हंसते हैं, खुश होते हैं, लेकिन बच्चों की लाइफ भी कोई आसान नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो टीचर उनसे कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, अहमद शाह अब्दाली भारत कब आया था? अबे उसको क्या पता, उसको अपने बाप का नहीं पता कब घर आता है कब जाता है। छोटे छोटे बच्चों से पूछेंगे, बताओ 4 और 4 कितने होते हैं? बच्चा भी सोच रहा होता है कि अगर छोटी छोटी बातों के जवाब हमें ही देने हैं तो तुम टट्टू के टीचर हो, तुम्हें क्या। बड़ी मुश्किल लाइफ होती है बच्चों की भी। बच्चों को सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना है, और कभी कभी तो लेट उठते हैं बच्चे, माओं को होता है कि चल बेटा मेरे को फटाफट मुंह लीपा पोती करके ना बच्चों को बैग डाल के भेज दिया। बच्चे जल्दी जल्दी में हल्के होकर भी नहीं जाते स्कूल। भारी वजनदार। अब आप ये सोचिए, एक तो बच्चे का बैग भारी, ऊपर से बच्चा खुद भारी, और ऐसी हालात में अगर क्लास में चला गया, ऊपर से टीचर ने मुर्गा बना दिया, सोचो कितना रिस्की काम है। किसी भी टाइम ब्लास्ट होता है ना भाई साहब। बेड़ा गर्क कर दिया अगर पूरी बात का। कौन सा ऐसा बच्चा जो इतना बड़ा धमाका करता है। बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन ज्यादातर अपने ही बच्चे प्यारे लगते हैं। खास तौर पे तब जब किसी और का बच्चा अपने घर पे आ जाए ना छोटा छोटा, तो डर लगता है कहीं हमारा कांच का सामान ना तोड़ दे। मेरा खुद का सगा भतीजा मेरे घर पे आया भाजी, पता नहीं क्या दिमाग में आता है बच्चों के, पेंसिल लेके ना मेरे व्हाइट सोफे लेदर वाले पे ठप ठप करके ना उसकी रुई बाहर निकाल दी। अब मेरे को गुस्सा आए, मैं क्या कुछ नहीं सकता। भतीजे से ज्यादा गुस्सा मेरे को अपने कुत्ते पे आए, कि मेरा भतीजा है मैं कुछ नहीं कर सकता, तू तो कर कुछ। बहुत सारी ऐसी यादें होती, बेसिकली मेमोरेबल मोमेंट्स बचपन की। हम सब कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आदतें बुरी हैं, लेकिन किसी ना किसी बच्चे ने ना बहाने से अपने पापा की पैंट में से पैसे निकाले होते, चोरी की होती है, चोरी होती वो, मैं खुद करता रहा अपने पापा की जेब में से। यहां पे भी काफी मेरे कुछ दोस्त ऐसे होंगे, कोई ना कोई। जी सर। हेलो 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 कपिल जी। हेलो जी। मैं बचपन में छोटा था ना, तभी मैंने, बचपन में सारे छोटे होते, कोई बात नहीं। तभी मैंने पापा की जेब में से 5 रुपए चुराए थे। अच्छा, तभी पापा ने मुझे बहुत मारा पीटा, बहुत डांटा। कैसे पापा 5 रुपए के लिए बच्चा पीट दिया अपना? उस जमाने 5 रुपए की भी वैल्यू थी ना। वैल्यू थी, अच्छी बात है, लेकिन शुक्र 50 का नोट नहीं चोरी हुआ, नहीं तो पूरी फैमिली को पीट देते पापा। अभी भी वो आते हैं कि छूट गई? अभी भी वो तो आते थे, छूट गई, पर आज बीबी मेरी जेब में से 50-100 रुपए चुरा दे। बीबी निकाल देती, पिटवाओ पापा से किसी दिन। वो खुद मुझे पीट देती है। वो आपको पीट देती है? मतलब चोरी की आदत चलेगी, पिटने की आदत नहीं गई आपकी। चलिए कोई बात नहीं, बट खैर शुक्रिया। हम सब ने अपना बचपन बिताया है, बचपन ही काफी सारी यादें होती हैं। स्कूल में हम लोग जाते हैं, स्कूल में काफी सारे बच्चे नालायक होते हैं, कुछ मॉनिटर्स होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा है जो क्लास में मॉनिटर रहा हो अपनी क्लास में? अजी जी मैम, कुटाई करता था। हेलो हेलो, आप अपनी क्लास में मॉनिटर रही हैं? जी मैं अपनी क्लास में मॉनिटर रही हूं। जाहिर सी बात है आप बड़ी होशियार रही होंगी। जी जी। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जी। मान लीजिए एक लस्सी का गिलास 10 रुपए का आता है, तो 10 रुपए आएंगे कहां से? जी मेरे पास है। है मेरे पास। मान लो उस 10 रुपए की लस्सी मैं पी गया, अब और 10 रुपए है मेरे पास। बड़े 10-10 के नोट इकट्ठे किए आपके अपने के बारात से लूट के लाई हैं। चलिए चलिए, शुक्रिया, थैंक यू मैम। यहां पे कोई ऐसा आदमी हाथ खड़ा करे जिसने नकल ना की हो कभी,
पाजी आपने हाथ नहीं खड़ा किया, इसका मतलब ये जो 4-5 लाख शेयर आते हैं आपको वो सारे आपके? पकड़ा गया, पकड़ा पाजी, आप इतने विट्टी इसलिए हैं, मौके पे आपको इसलिए शेयर सोचते हैं, आपका बचपन अच्छा गुजरा ना? हाँ। अमीर परिवार में पैदा हुए। हाँ। मेरा तो बचपन भी वैसा था जैसी जवानी है। जैसे मेरा जवानी में काम नहीं सेट हो रहा, बचपन में भी मेरा यही हाल था। माहौल ही अलग था, दादी मेरी उस टाइम जवान हुआ करती थी, बुआ इतनी डिमांडिंग थी। नहीं यकीन तो आपको झलक दिखा रहा था मैं, ठोको ताली मेरे परिवार के लिए। आजकल के लड़कों को देख लो, दो बार हंस के बात क्या कर ली, पीछे ही पड़ जाते हैं। चेपी हो गया, चेपी। ओ सिद्धू जी, मैं पीछे नहीं पड़ा हूँ। तो क्यों? मुझे कोई शौक नहीं है पीछा करने का। हाँ। चुपचाप रिक्शा का भाड़ा दे दो, 10 रुपया या 2 पप्पी। लड़की को घर में अकेला देखकर 10 रुपए मांगते हो? लेनी है तो एक ले लो। अरे एक में नहीं पड़ता, एक तो घर पे देनी पड़ती है, मेरा क्या होगा? एक तो सही दे दो, दे दो। रामू, इसे पप्पी दे दो। मुझे रामू की पप्पी नहीं चाहिए, तुम्हारी पप्पी चाहिए। नहीं मिलेगी। है? वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए संभाल कर रखी। तो मुझसे शादी कर लो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। तुझसे शादी कौन करेगा? हा? अगर कलिंगर को पानी में उबाल दो ना, तो वो भी इससे ज्यादा अच्छा लगेगा। ए जा जा जा, पतली गली से निकल जा। चल मैडम, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। आज तुमने एक रिक्शा वाले को ठुकराया है, लेकिन गांव वालों याद रखना। हा? एक दिन ये रिक्शा वाले से नहीं, रिक्शा से सहरा बांधने के लिए तैयार होगी और रिक्शा कहेगी टीटी मैं नहीं शादी करूंगी, टीटी मैं नहीं शादी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, घर के किसी बड़े को बुलाना पड़ेगा। बिच्छू, ओ बिच्छू। जिसकी? बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू। अरे भाई। क्या हुआ हुआ? बिच्छू, ये जबरदस्ती मुझसे 10 रुपीस मांग रहा है। तू डरना बुआ, इसको मैं 2 घंटे में देख लूंगा। 2 घंटे क्यों भाई? जितना तू मोटा टोटर मल, तेरे को 2 घंटे तो लगेगा ना देखने में। Yes! 1 घंटा इधर से देखूंगा, 1 घंटा उधर से देखूंगा। क्या बोल रहा था मेरी बुआ को? अरे मैं तो कह रहा था, या तो मेरा किराया दे दो या मुझसे शादी कर लो। कितना किराया तुम्हारा? 10 रुपया। 10 रुपया बुआ, मारिश के मुंह पे शादी। मेरे पे तो बड़े बड़े हीरोज मरते हैं, मिथुन चक्रवर्ती मरता है, ऋषि कपूर मरता है, और मैंने प्यार किया में वो जो नया लड़का आया है वो भी मरता है। अरे मैडम, आलोकनाथ से शादी करने से अच्छा है मुझसे शादी कर लो, मेरे नाम का मंगल सूत्र गले में बांध लो। फिटे मुंह तेरे, मैं सल्लू की बात कर रही हूँ। और तेरे नाम का मंगल सूत्र क्या? तेरे नाम की तो रिंग भी 20 kg की होगी मोटे। अंकल मेरा कितना किराया हुआ? 10 रुपया। 10 रुपया एक शर्त पे मिलेंगे, पहले तुम मेरे लिए घोड़ा बनो। Yes! 10 बुआ के 10 मेरे 20 रुपए मिलेंगे। अरे बंदा, अरे घोड़ा बन गया। क्यों मन उसको घोड़ा बनने के लिए कहा, ये गांडा बन गया ये क्या? इनकी लेनी है। इतनी बड़ी औरत के पास 10 रुपए नहीं, एक छोटे से बच्चे के पास कहां से आएंगे? बच्चे को ढूंढ लो। मैं तो पैसे लेकर जाऊंगा। बिट्टू, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, 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 अंकल को बचाओ, भुआ से बचाओ, अंकल को। नहीं बिट्टू, मुझे इससे बचाओ। बचाओ, बचाओ, एक काम करो, एक
मैडम आ रही
इसका मतलब तू अगली क्लास में जाएगा, पास हो जाएगा। तू मुझे धोखा दे रहा, क्लास में अकेला छोड़ कर जा रहा है तू मेरे को यार। नहीं यार संजू, मैं तेरे को धोखा नहीं दे रहा हूँ। यार हम लोग इतना इतने होशियार है हम लोग दोनों, फिर भी मार खाते रहते यार। हमारा नसीब ही ऐसा है यार। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक आइडिया है। जितने भी होशियार बच्चे हैं ना, उनको उठा लेते हैं, गायब कर दो। गायब कर देते हैं, अंकल जी को पता है। अंकल होगा तेरा बाप। दुख हमको इस बात का नहीं होता कि हम नालायक हैं, दुख तो हमको इस बात का होता है कि एग्जाम में दूसरे बच्चे एक्स्ट्रा शीट मांग लेते हैं साले कुत्ते। मेरे पास एक आइडिया है, बताओ। इससे पहले कि टीचर आए हम लोग भाग जाएं। हाँ ठीक है, फुटो फुटो भागते हैं। इधर को भागे, इधर को भागे। पहले टीचर, एक मिनट, सज्जे खब्बे। आ गई टीचर, आ गई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कहा था ना, अपना नसीब ही खराब है। हेलो टीचर आ गई। ओह कितनी स्वीट सी छोटी सी टीचर आई। टाई भी पहनी हुई है। ये टीचर नहीं है, मेरी बेटी है, तुम्हारे साथ पढ़ाई करेगी। स्वीट तो है ही। आती बात तो ठीक है। शो चलो, जाके बैठ जाओ। टेक योर सीट्स। मेरे साथ आके बैठ जाओ। नहीं मेरे साथ बैठो, मैं इसको चॉकलेट खिलाऊंगा। मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। शट अप, बातें नहीं करनी है। चलो सबसे पहले हम तुम्हारी जीके को रिवाइज करेंगे। ये बताओ कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? शेर है। शेर नहीं बेटा, मोर होता है। कोई मोर मोर नहीं आता, जब शेर सामने आता है सब मोर मोर भाग जाते हैं। तू यार तेरे को तो सब कुछ पता है यार, तू तो बड़ा होशियार है। ये मैडम शेर की आवाज भी निकाल लेता है। ये कैसे शेर की आवाज थी? मैडम शेर गुफा में है ना इस वक्त, तो जैसी आवाज थी। शट अप, तुम दोनों जाके मुर्गे बन जाओ। नहीं मुर्गा नहीं बन सकते, आज मंगलवार है। आपको तो मैं बैंगन बनाऊं, बैंगन ये देखो। शट अप, पत्ते वाला बैंगन है। पत्ते को चारा ही पता है। दोनों बिल्कुल नालायक हो। चलो जी के तो तुम्हारी फेल है, हिस्ट्री आती है कि नहीं? हाँ। ये बताओ कि भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? सबसे पहला तो पता प्रधानमंत्री क्या होता है। शट अप, तुम बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। शाबाश बेटा। अच्छा हम दो लोग गलत हैं, ये अकेली सही। वाह। पक्षपात, पक्षपात। इसकी मम्मी है ना, तो घर से सिखा के लाई है इसको। अच्छा तुम दोनों को बहुत आता है ना? जी मैडम। इंग्लिश बोलनी आती है? मैडम मैं बहुत फास्ट फास्ट इंग्लिश बोल लेता हूँ। बोल के दिखाओ। English, 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 fast, 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 fast. Shut up! Shut up! ये बताओ कि चांद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Okay, tell me. Uncle. Uncle? हाँ तो हिंदी में चंदा को मामा कहते हैं, तो मामा को अंग्रेजी में अंकल नहीं कहेंगे? हर्षिली देवी मामी। मामी? क्योंकि चांदनी तो वही बनी थी ना जी। चांदनी भी चांदनी। Shut up! से मिल गए मुझे के स्टूडेंट्स, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नहीं मैडम जी, टाइम का कोई पता नहीं होता। टक्कर नहीं होना। मेरे सिर में डैंड्रफ भी हो सकता है मैडम। मिलाओ डैंड्रफ। हां मेरी कल कोई शादी भी हो सकती है। क्यों? देखो शादी करने के लिए कुछ बनना पड़ता है, कमाना पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा तुम लोग अपनी नोटबुक्स निकालो और रॉन्ग की स्पेलिंग लिखो। मैंने लिख भी दिए। मेरा बैग ही नहीं खुल रहा। खुल भी गया, तूने कौन सा लिखना? मैंने रॉन्ग के स्पेलिंग लिख दिए। रॉन्ग, बिल्कुल गलत लिखी है तुमने। तो जो चीज है रॉन्ग उसके सही कैसे लिखूंगा मैं? गॉड, इंग्लिश तो तुम्हारी बिल्कुल फेल है। हिंदी आती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो इस सेंटेंस का फ्यूचर टेंस बताओ। हाँ। मैंने आज एक लड़की को देखा। मैं कल उस लड़की को पटा लूंगा। What? ये है कि मैं कल इस लड़की को देख
तुम यहाँ से निकल जाओ, चलो गेट आउट फ्रॉम हियर। मेरी छुट्टी हो गई। व्हाट अ हार्ड डे। बिट्टू तू भी 2-4 सवालों का गलत जवाब देके बाहर आ जा, मैं तेरा मूली वाले के पास बैठूंगा। शट अप, गेट आउट। देखो बेटा, ये तो बिल्कुल ही निकम्मा था, लेकिन मुझे तुम अच्छे लग रहे हो। अब सवाल का सही सही जवाब देना, ठीक है? आइंस्टाइन के बारे में क्या जानते हो तुम? आइंस्टाइन के? उसके मुंह के हिसाब से ना उसका हेयर स्टाइल ठीक नहीं था। नो 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 नो, तुम बताओ। आइंस्टाइन साइंटिस्ट था। शाबाश मेरा प्यारा बेटा, बहुत प्यारा है। देखा आपने, ये था मेरा बचपन। लोगों का बचपन गुजरा होता है, मेरा क्या गुजरा था। पर आपको तो पता, ये शो कैसे बना? चार यार दोस्त हम लोग बैठ के पार्टी वार्टी कर रहे थे, वहीं पे सलाह हुई, जो रात तक बैठे रहे उन सबको ले लिया, जो चले गए उनको नहीं लिया। ये सुनील ग्रोवर बीच में उठ के चला जाता था, फिर आ जाता था, इसको वैसे रोल दे दी हमने। मैंने कहा तू फ्लोटिंग कैरेक्टर कर। लेकिन बातों बातों में ना बाजी, नाम हमने सोचा ना चैनल ने, माँ बाप का बजट ही हम लोग तय करना भूल गए। लेकिन देखिए बाजी, बाप की कमी आप खलने नहीं देते, लेकिन माँ तो चाहिए होती ना बाजी, कि नहीं? मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है, शायद ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। वाह, सदा बिल्कुल बाजी, आपने ठीक कहा। और शो मस्ट गो ऑन, राज कपूर साहब कह गए थे, लेकिन हमें भुगतना पड़ रहा है। तो शो मस्ट गो ऑन, नॉटी बॉय। लेकिन आपने बहुत सारी माएं देखी होंगी, फिल्मी माएं, लेकिन आज हमने अपनी मैगजीन की इंटरव्यू के लिए जिस माँ को इनवाइट किया है, वो माँ थोड़ी हटके है। वो ऐसी माँ है जिसने माँ के किरदार को एक नई परिभाषा दी। ये माँ थोड़ी खूबसूरत माँ है, प्यारी माँ है, थोड़ी हटके माँ है। बम्बास्टिक। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए किरण खेर जी का। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। थैंक यू कपिल जी। पाजी, मेरे से ज्यादा पाजी को इंतजार था कि किरण जी कब आ रही हैं। मेरे को भी बड़ा इंतजार था यहाँ आने का। सिद्धू जी, वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल कपिटवाल, ठोको ठोको। पाजी जी, यहाँ ना देर है ना अंधेर है, ना हेर है ना फेर है, सिर्फ हंसी है, मजाक है और किरण खेर है। थैंक यू। परी देख लो, कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। देखो आप खुद सोचो, हमारी पूरी फैमिली की कुल मिलाकर 150 रुपए की औकात नहीं है, और कितनी महंगी माँ हमें आज मिली है। अनमोल माँ, अनमोल। आप देखिए, कोई 70-80 हजार रुपए से कम साड़ी नहीं पहनती। 50-55 लाख की ज्वेलरी, 46 लाख के डिंपल्स, करोड़ों रुपए की जुल्फे। मैं तो ये कहता हूँ ये चलता फिरता बैंक है। ज्वेलरी की दुकान, ये तो ऑन द स्पॉट खड़े खड़े किसी आदमी को
गरीब आदमी को लोन दे सकती है। डिंपल तो आपके लिए है। डिंपल? हाँ जी। डिंपल कितने हैं? मेरा डिंपल नहीं था, पिंपल था, निकाला तो गड्ढा पड़ गया। वैसे मेरे भी डिंपल और रिंकल ही बनते जा रहे। सब जानते हैं किरण जी कितनी वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। इन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया। इन्होंने थिएटर से शुरुआत की, उसके बाद टीवी किया, फिल्में की, एड फिल्म्स की, कितना सब कुछ किया आपने। और एक चीज की कहीं ना कहीं कमी खलती थी, जो कि उन्होंने वो भी पूरी कर दी। तो कैसा लग रहा है आपको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बात बता दूं, अनुपम का घर का नाम बिट्टू है। जैसा कि हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि किरण जी ने माँ के रोल की एक परिभाषा ही अलग करके रख दी। बिकॉज पाजी आपको बताया, पहले जो माएं होती थी थोड़ा सीरियस माएं होती थी। मेरे किरण अर्जुन आएंगे वैसे टाइप है ना। देखिए राखी मैडम, किरण जी ने जब माँ का रोल किया तो सीरियस भी किया, मस्ती भी की, हंसाया भी माँ बन के। मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार काश किरण जी उस जमाने में होती कि जब निरूपा जी मां बनती थी, अगर किरण जी भी होती तो कैसे करती। मैं एक ऐसे ही सपोज एक पुरानी फिल्म का सीन है, मजा आएगा, मजा एक ऐसा ही इम्प्रॉम्प्टू करते हैं। एक्टिंग करनी पड़ेगी, एक्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, 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 हाँ। हमेशा की तरह अपनी फिल्मों की तरह मां आंधी है। हाँ, मां आंधी है, बेटे की नौकरी नहीं लगी है, लेकिन सडनली उसकी नौकरी लगी, बेटा बाहर से आ रहा। ओके, मां 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 मेरी नौकरी लग गई माँ, अब मैं तेरी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा माँ। मेरी आंखों को क्या हुआ? तेरी माँ की आंख। ठीक है माँ, अब मैं अपने बाप के खून का बदला लूंगा माँ। उसको क्या हुआ है? चंगा भला है, क्लब गया। ठीक है, मैं अपनी जवान बहन की शादी करूंगा। वो बहन की टकी तो पिछले महीने भाग गई पड़ोसी के साथ। लवी लवी, टाका बिट। माँ मुझे कुछ तो ऐसा करने दो। अच्छा बेटा, मेरे लिए एक सुंदर सी बहू ले आ। वो रही तेरी बहू माँ, गिटार हाथ में लिए। हाय हाय, तुझे ये एनाकोंडा ही मिला था। अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ किरण जी उस समय नहीं थी, नहीं तो ये शशि कपूर साहब, अमिताभ बच्चन साहब सबकी ऐसी की तैसी कर देती अगर ऐसी माँ होती तो। किरण जी, यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक मौजूद हैं या जो आपको टीवी पे देख रहे हैं, बड़े सारे मन में सवाल हैं। सबसे पहले तो मेरे मन में एक सवाल है कि अनुपम जी आपको पहली बार कहाँ मिले थे, मैं जानना चाहता हूँ। चंडीगढ़ में मिले थे, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। वो शिमला से आए थे वहाँ थिएटर का कोर्स करने। okay. और मैं भी वहाँ पर थी, मैंने अपनी एमए इंग्लिश लिटरेचर खत्म करके पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर आए थे। आंखों से बड़े मजेदार थे। अच्छा। हाँ, और सबको हंसाते रहते थे। okay. बड़ा चलाक बंदा, हंसा हंसा के फंसा लेंदा। बेसिकली अनुपम जी शिमला से आए थे, तो शिमला में ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है, इनको देख के ही उनका काम खराब हुआ होगा। उनका माहौल भी ओके। विस्फोट नहीं, वो शिमला से गर्मा गर्म आया था। की बात नहीं है, ठंडा कभी नहीं था। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जी कपिल, आप शादीशुदा हैं? नहीं, मेरी तो नहीं हुई जी, मैं तो अभी। आपकी कितनी उम्र है? मेरी हो गई 30 हो गए पूरे जी। सिर्फ 30 साल के हो? हाँ जी। यार फिर तो एनाकोंडा से बेटर आ सकती है। कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ जी गर्लफ्रेंड है, 3-4 ने। तेरा बेवकूफ कहना 3-4। कोई सीरियस गर्लफ्रेंड नहीं है? चार है सीरियस ने। नहीं, शादी कब करा रहा? कॉमेडी नाइट विद कपिल है कि कॉमेडी नाइट विद किरण खेर है? तो मेरे इंटरव्यू लेना शुरू हो गए भाई। सॉरी सॉरी सॉरी।
मैं सोचता हूँ कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर्स हो और आपको मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप आजकल के जो युवा लड़के लड़कियां हैं इनके लिए क्या ऐसा करेंगी? मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर्स, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ लव अफेयर्स की मिनिस्टर कभी बनी तो मेरे ख्याल से मुझे तो बड़ा मजा आएगा। मैं खुली छूट दे दूंगी कि ये कोई का पंचायत वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जिसने जिससे शादी करनी उसको अलाउड होना चाहिए। शादी करना चाहिए, ऐसे लीडर होने चाहिए हमारे देश में। नहीं तो हम लोग जब पढ़ते थे ना अमृतसर में, अपनी क्लासमेट को लेना पुलिस पकड़ लेती थी, तेरी पहन लड़ती हुए ना, क्यों था उनका एटीट्यूड ऐसा होता है। हाँ करो करो, आई लव दैट। हम लोग वैसे डर जाते थे भाई, कसम से। ये वैलेंटाइन नहीं है, मेट्रो सिटीज में होता है। आप छोटे शहरों में कोई वैलेंटाइन, डंडे खींच खींच के जो पढ़ते ना यहाँ पे, और पुलिस वाले इतनी जोर जोर से मारते हो, पटा पटा देखा उस पर लिखा फिर कब मिलोगे। और कोई वैलेंटाइन वाला ट्रेंड नहीं, मेरे आंखों देखी एक बार हुआ था। हाँ। एक लड़का लड़की दो बैठे हुए, दोनों बेचारे आपस में बात कर रहे हैं, वो होता नहीं चूड़ियां तोड़ के प्यार निकालते हैं, तू मुझसे ज्यादा करते मिटा, 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 इतनी मिटा, देर में मोटा सा पुलिस वाला यू पेट निकला। कहते हुए बेटा ये पार्क के दरवाजे बंद करा दो जरा। लड़का बैठा हुआ चूड़ी तोड़ रहा है, उसको पता भी नहीं क्या हुआ, गर्दन पे थप्पड़ पटा। मेरी बहन है। बता अच्छा बहन है तो कौन भाई पेन से बहन के गर्दन पे टैटू बनाता है? मैं थप्पड़ मारूं, मतलब कल्चर ही अलग होता है। खैर खैर बातों बातों मैं एक चीज भूल गया किरण जी। ये बड़े सारे लोग मुझे पूछते हैं ये करेक्टर आपने इजाद कहाँ से किया था। ये हाँ। सच्ची बात है किरण जी, जब मैं गया यहाँ से करके शूटिंग ना अमृतसर, तो एक बंदा मेरे साथ फोटो खिंचवा रहा था, तो रहा तो मैं पुलिस कॉलोनी में ही, फादर पुलिस में थे। हाँ। मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो एक बंदा फोटो खिंचा रहा, कहते तेरा ये फोटो वोटो तेरे साथ बड़ी खिंचा रहे हैं, क्या करता क्या हो? मैं कहा सर मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूँ। हैं? मैं कहा सर मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, प्राइवेट कंपनी है कोई? मतलब कोई लेना देना ही नहीं। ताजी आपको किरण जी के बारे में एक चीज नहीं पता? पता, अभी तो खैर फ्रेंडली माहौल हो गया, लेकिन मैंने सुना है कि कॉलेज के दिनों में जब कोई लड़का इनके पीछे गेड़ी मारने आता था, हाँ, तो ये एकदम से लड़की से कन्वर्ट होकर लड़का बन जाती थी। तो हाथापाई भी हुई कभी? ये बात सच्चाई है? नहीं, एक बार किसी को एक थिएटर में फिल्म देखने गए थे, थप्पड़ जरूर मारा था मैंने। ये लड़के पंजाब के, देवर टेरेबल, कोई चूंटी काट के चिकल जाता था धक्के में से। ओ कोनी जी मार दे सी, मैं कहा देता मैं तैनू ठीक कर दूंगा। एक बंदे को थप्पड़ मारा था। तो पाजी ये बताने का मतलब उनका यही था कि वो अभी आधा पौना घंटा और है, तो आप लिमिट में रहे। आइए कुछ पुराने दिनों की याद ताजा करते हैं। वो भी क्या कोई स्कूल टाइम के फ्रेंड है, वाह, परविंदर जी, जो बड़ी देर से कह रहे थे कि जैसे किरण आए मुझे बताना। परविंदर जी आओ महाराज। परविंदर सिंह सोटी साहब आओ महाराज। थी मरो सियापा शाइनिंग जैसा सूट पाके आ गए। घूंघट तो हटा। मैं कभी ऐसे बंदे को नहीं जानती जिसने ऐसा सूट पहना हो। छोटी साहब क्या हुआ, आप शर्माई जा रहे हैं? तो शक्ल देखना छोटी साहब, मेरे को ये शर्म आती है इसलिए मैंने मुंह ढका हुआ है। चलो मैं हिम्मत करके पर्दा हटा देता हूँ। बोलो सिद्धू साहब की जय। मुंह ढका हुआ था हाथों से, हाथ देख लेना छिल तो नहीं गए? भाई ये फायदा बड़ा, आप तो अपने दांतों से अपनी छाती खुजला सकते हैं। मैं तो ये
मेरी जो धुनी है ना जी नाभी वहां तक भी ले जाता हूँ ये कभी। किरण जी आपने पहचाना इनको? आप वही है ना? इनको नहीं पहचान में आ रहा होगा, मैं इनको याद लाता हूँ। आप याद करो किरण जी, वो हम दोनों इकट्ठे पढ़ते थे स्कूल में। तुम भूलने वाली चीज ही नहीं। उधर मत देखो, इधर इधर ध्यान दो। हम इकट्ठे पढ़ते थे। हाँ। मैं हमेशा फर्स्ट आता था, ये सेकंड आती थी। फिर क्या हुआ, आपने कहा एक बारी के परमिंदर एक काम कर, तू एक बारी सेकंड आया, मैं फर्स्ट आ जाती हूँ, हम दोनों डेट पे चलेंगे। कपिल जे बाकी दांत तोड़े हैं ना, शायद मैंने ही तोड़े होंगे। आज भी भंग देने मैं। वो मौका नहीं आएगी क्योंकि मैं उस साल फेल हो गया था। ये क्या बात हुई, उन्होंने आपको सेकंड आने के लिए कहा तो आप फेल क्यों हो गए भाई साहब? मेरे को लगा ही कि जो मतलब वह लेडी सेकंड आने पे डेट पे जा सकती है, अगर फेल हो जाओ तो मतलब वो तो शादी कर लेगी भाई। परमिंदर सिंह सोढ़ी जी, हाँ जी, इनके चक्कर में फेल हुए आप? हाँ जी। तो ये फिर आपके साथ डेट पे गई? और डेट तो छोड़ो जी, उसके बाद तो कॉलेज में नहीं दिखी जी मुझे कभी। एग्जाम के बाद दिखी नहीं जी मुझे कभी ये। अच्छा? हाँ जी हाँ जी। तो फिर लेकिन मैंने डेट ने का पीछा नहीं छोड़ा जी। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूं? मैंने डेट का पीछा नहीं छोड़ा जी, मैंने डेट का बिजनेस शुरू कर लिया जी, खजूर का। तो ये जो आपने फिर बिजनेस किया खजूर का, हाँ जी, उसके बाद ही आपकी शक्ल खजूर जैसी हुई कि पहले से ऐसी थी? ये खजूर है और ये गुठली है। किरण जी का ना एक स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाजी, ऐसे है ना पल्लू से मुंह ढक लेते ना, ये तो ढक भी नहीं सकता, पल्लू फाड़ देगा। छोटी साहब आपका ये कहना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इनके साथ पढ़ते रहे बचपन में। तो ये बचपन में दिखने में कैसी थी? देखने में तो ये मौला हुआ। तो आपको अच्छी लगती हैं किरण जी? मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं जो कहना चाहते हैं उनको कह के यहाँ से दबाइए, इनको मत लगा लीजिए खजूर खजूर। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि सामने जो ये कैमरा है ना जी, इसमें बस आप इतना कह दीजिए कि आई लव यू टिल्लू। नहीं तो आप नहीं जाएंगे। अच्छा कहने में चले जाएंगे, आई लव यू टिल्लू कह दो सामने कैमरे में। टिल्लू कह दो, आई लव यू टिल्लू। अब आप जाओ। ये टिल्लू है कौन, आपका बेटा है? नहीं जी, मेरा ही निकनेम है जी। अब आप जा सकते हैं, मैंने बोल दिया। तो अनुपम खेर साहब बीच में आ गए, वरना बात तो हमारी होनी थी जी। मैं सच कह रहा हूँ ये, मतलब अगर अनुपम खेर साहब दोबारा आ गए तो फिर आपकी खैर नहीं भाई साहब। अभी आप अपनी खजूरे एक मिनट, मेरी तरफ से ये खजूरे है जी, अपना बिजनेस है जी, ये आपके लिए गिफ्ट है जी, तोहफा जी, 150 रुपए का पैक है जी। तो ये उनसे आई लव जी बुलवा के आप 150 रुपए की खजूर दे रहे हैं आप? क्या था जी, कॉलेज के जमाने में मेरे दोस्त से शर्त लगी थी कि एक ना एक दिन मैं इनसे आई लव यू बुलवा के रहूंगा जी। आज उन्होंने बोल दिया जी, 350 का फायदा हुआ जी मेरा। टिंग 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 टिंग। चलिए खैर, आपने जब कहा ना कि अनुपम जी अभी उस टाइम के हिसाब से जब नई नई शादी हुई थी अभी उतने रोमांटिक नहीं है, तो ये सुन के ना यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना कुछ अपने अपने प्लानिंग की हुई है। बहुत सारे लोग आपसे बातें करना चाहते हैं जी, आप एक एक करके किरण जी से बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं जी। मेरा नाम अराफत है। किरण जी आप मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हो, मैं चाहता हूँ कि आप जैसी मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो। मतलब बेटा ना बदतमीज चक्कर के रास्ता। सिकंदर खेल को जानते हो ना, तुमसे काफी लंबा भी है, डौले भी इतने इतने हैं, उनको पता चल गया ना मेरी मम्मी पे लाइन मार रहे हो। ठोकेगा ठोकेगा।
ये आफत है अपना रफत, ये दिमाग में कहां से आई इतनी प्यारी सोच? मैं बताऊं ये आफत अराफात, ये दिमाग में कहां से आई खुराफात? अनुपम साहब ने भी जब पहली बार प्रपोज किया होगा ना, उनके गाल इतने लाल नहीं हुए जितने इसके हो रहे हैं। क्या करते हैं रफात आप? अभी फिलहाल तो कुछ करता नहीं, बट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ किया करो, खाली दिमाग रहता है ना तभी ऐसी चीजें सोचते हैं। So sweet. God bless you with a girlfriend like me. Thank you. ये जो लंबे लंबे बाल रखे ना, ये रहेंगे नहीं, अनुपम सर का हाल देखा ना। किरण मैम, आज आपने शाम में आके शाम को रंगीन बना दिया, कसम से चार चांद लगा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाम को और रंगीन बनाते हैं। भूल गया दिन, बिट्टू वो किरण आई क्या? बिट्टू किरण कैसी हो? किरण कैसी हो? अच्छी हो। मैं एक बात बताती हूँ, मैं ये किटी पार्टी जो नहीं, पच 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 जैसे क्या ना, हाँ मैं हाई सोशल बटरफ्लाई हूँ, यू नो सब जगह तितली बन के उड़ जाती हूँ। हाई सोशल बटरफ्लाई, तो मैं वहाँ जाती हूँ ना, एक एक औरतें मुझसे बड़ी बड़ी बुजुर्ग बुढ़िया पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के बोलती, सुन सुन ए सुन सुन, वो किरण खेर है ना, वो तुझे बड़ी कॉपी करती है। हाँ? सच कह रही हूँ। ठीक है, मैं डांट देती हूँ उनको, मैं कहती हूँ सिर्फ अदाएं चुराती है। क्या कर रही है तुम? बिच्चो, किरण मुझे कॉपी करती है, अदाएं नहीं होती वो, उसको बदतमीजी कहते हैं जो तू करती है। चुप कर। आपको पता है, आप वो बैडमिंटन की नेशनल प्लेयर हो ना, तो मैं भी अपने मोहल्ले की चैंपियन हूँ। पटक प्रैक्टिस करके आ रही हूँ। दादी जो किरण जी खेलती थी वो बैडमिंटन था, मर्दों के साथ कंचे खेल खेल पड़ी हुई है, वो गेम अलग होती है। नहीं, पर मैं आज प्रैक्टिस करके आया ना, अगर यकीन नहीं हो रहा किरण आ जाए, हो जाए दो दो हाथ। ये बैडमिंटन रैकेट है कि स्क्वाश रैकेट है? ये जो खुलेगा इसमें से निकलेगा पता चलेगा। बंदूक नहीं है ये, फायर मत कर इसे। आना किरण। दादी क्या, अगर तू किरण जी से हार गई बैडमिंटन, हाँ तेरा सामान गिरता जा रहा धीरे धीरे करके। वैसे कपिल आपकी फैमिली में एनर्जी बहुत है, मानना पड़ेगा। बिच्छू। हाँ चलिए ठीक है, शुरू। किधर गया? दादी ये रहा बैडमिंटन। दादी हार गई तू, करवाली बेचती अपनी। मैं हार गई? हार गई तू, कब से हार गई? मैं हार गई ना, क्यों ना हारू, नेशनल चैंपियन है ये, उसका खेल है। हाँ मेरे इलाके में आए। तेरा कौन सा इलाका? पिल्टका। एक मिनट, पिल्टका। किरण बोलो, सुना है म्यूजिक बजते ही तुम्हारा डांस निकल जाता है? हाँ निकल तो जाता है। बचाओ। फेफड़ों में प्रेशर बढ़ गया तेरे अभी। नहीं नहीं सुनिए, आप ऐसी स्कर्ट में ऐसे नहीं लेट सकती, उठ जाइए प्लीज, ये हिंदुस्तान की इज्जत का सवाल exposure, है। एक्सपोज़र, हमारे यहाँ पे दादियाँ इतना एक्सपोज नहीं करती। दादी तेरे को पता है चार मोता एक, पता है वो लग रही है लेडी, तू ऐसा ना ऋषि कपूर विग लगा के नाच रहा। डार्लिंग मैं आती हूँ, मैं सोच रही थी लिपस्टिक से मेरा चेहरा कब सत्यानाश करना है। मैं आती हूँ। मैं दादी की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, जो भी आता है उसे भुगतना पड़ता है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं, ये भाई साहब कहाँ गए वो सारे टैलेंटेड लोग? सारे टैलेंटेड लोग इस तरफ हमने ये चुन के कुछ बिठाए हुए हैं, हमने ये आपको अपना अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। बड़ी देर से मेरा दिमाग खा रहे थे, आइए भाई साहब जी। हम दोनों डांस करना चाहते हैं, हमारे पास डांस का टैलेंट है, इसीलिए हम लोग मंच पे आके डांस करेंगे। जी आइए प्लीज। किरण जी सामने हैं, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तू इधर आ जा।
तुम तो कह रहे हो मैं डांस करने वाला हूँ। ये कहाँ से आए हैं ये कमीज, लाल कमीज वाले, कुछ मरून कमीज वाले? मैं दिल्ली से हूँ। ये आपने डांस कहाँ से सीखा है? डांस में स्कूल से सीखा था मैडम। ऐसा डांस? मुझे लग रहा था तुम्हारी दोनों जो टांगे हैं ना आपस में ही बल खा के तुम नीचे गिर जाओगे दो मिनट में। उस स्कूल को बंद कर दो जहाँ तुमने सीखा था। नहीं नहीं, अभी ये स्टेप क्या था? पहला शो है मैं। ये स्टेप क्या था? पहला शो है मैं। और ये जो कर रहा था लड़का, ये आपका क्या नाम है बेटा? आपने कहाँ से? हेलो, मैं मुंबई उल्लासनगर से रहता हूँ। आपका मादा लाडला सिर्फ ये था? ये जो स्टेप था ये क्या, नींबू का रस निकाल रहे थे? मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ और मैंने आपके कई बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ आपका। मैं आपके कई पिक्चर देखे लिए और मैं आपको क्या बात करे लाए, क्या बात करे, क्या डांस करे लाए। एक आपने माँ का लाडला में बिगड़ गया उसमें ऐसा किया था, नहीं तो मैं वो रोल देखना चाहता हूँ खाली। अच्छा क्यों? तेरे पियो ने टिकट खरीदी तेरे वास्ते? मैं ऐसा बोलूंगा माँ तो आप बोलेंगे नहीं बेटा, इतना रोल देखना चाहता हूँ। आजा आजा, हाँ बोल माँ। माँ बस, दूसरे की बारी। मैं वो रोल देखना चाहता हूँ। कहता माँ अगर बकवास नहीं करती। आपको सही में देखे लाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरी माँ की तरह हो। जीते रहो बेटा, खुश रहो, डांस जिंदगी में बिल्कुल मत करना, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, कोई काम की नौकरी ढूंढो और अपने घर के लिए पैसे कमाओ, ठीक है? देखे ला पढ़े ला खड़े ला बहुत हो गया। हमको तुम्हारे जैसे लोगों का बड़ा इंतजार रहता है। जीते रहो। अरे अरे अरे, खुश रहो, जींदे रहो, फूलो फलो। और आगे से मम्मी मत बोलो। चूहे तुझे डर नहीं लगा? तुझे पापा बुलाने वाला वो? डैडी। नेक्स्ट आ रहे हैं जी, आइए आइए। अरे खुश रहो, खुश रहो। क्या खाते पीते घर का है? क्या नाम है आपका? सौरभ चंद्रा। क्या करने वाले हैं आप? डांस ही करने। डांस करने वाले? कौन से गाने पे? रणबीर कपूर का गाना है, होली वाला गाना, पिचकारी मारे। कपिल, उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया था मेरे से, मैं अब करती हूँ। जो इन्होंने पिचकारी को फ्लिट पंप बनाया। मजा आ गया, बहुत मजा आया। खुश रहिए। शुक्रिया, लव यू। ने जप्पी डाल ली एक दूसरे। बहुत बढ़िया, आपने एक इनोसेंस थी बाजी, एक भोलापन था। और बेसिकली इनका डांस मुझे टेक्निकली नहीं पता, चाहे नहीं भी पता, लेकिन फिर भी गलत था आई नो। पर जो इनोसेंस से ये नाच रहे थे उससे जो यहाँ का माहौल बना, जो लोग हंस रहे हैं, जो टीवी पे देख के जिन्होंने एंजॉय किया वो बड़ा हंसे होंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू, गॉड ब्लेस यू। किरण जी आए और वाकया ही में इस शाम को चार चांद लगे। मैं चाहूंगा कि मेरा परिवार भी आ जाए फैमिली फोटो के लिए। सिद्धू बाजी प्लीज प्लीज यहाँ पे आइए।